भाषा आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, सरकार ने सोच समझ कर निर्णय लिया है। सरकार सीधा सीधी हो, सरकार के चेहरा झारखंडी हो, अगर रिमोट कंट्रोल बाहरी के हाथ में हो और बाहरी जब झारखंड के अपना लूटल है वो अपने कभी दया भाव ना कर। आज के दिन में झारखंड एक अलग राज्य है, बिहार से अलग हुआ है। यहाँ की अपनी भाषाएं हैं जिसको महत्व दे रही है यहाँ की सरकार। यहाँ कुछ बोली जाती हैं, कुछ बोलियाँ हैं जो बोली जाती हैं कुछ इलाके में, उसको भी जिला स्तरीय नियोजन में तरजीह दिया गया है। दोनों अलग अलग चीज़ हैं, राज्य स्तरीय परीक्षा और जिला स्तरीय परीक्षा। राज्य स्तरीय परीक्षा में यहाँ के ट्राइबल लैंग्वेज और क्षेत्रीय भाषाओं को तरजीह दिया गया है, उर्दू बंगाली को भी दिया गया है क्योंकि यहाँ काफ़ी संख्या में लोग बोलते हैं उनको दिया गया है, और बाकी जिला स्तर में मगही जो बोली जाती है कुछ इलाके में उनको दिया गया है। तो इसमें कुछ बोलना नहीं है, सरकार की मंशा सरकार के उद्देश्य यही है कि यहाँ अलग राज्य हो गया है, झारखंड की भाषाओं को प्रमोट किया जाए और यहाँ के ताकि यहाँ के लोग पढ़ें, नौकरी देंगे तभी ना पढ़ेंगे, नहीं तो क्या पढ़ेगा। तो लोग यहाँ नौकरी देंगे हम लोग और यहाँ के लोग इसको पढ़ें। देख सरकार सीधा सीधी हो, सरकार के चेहरा झारखंडी हो, अगर रिमोट कंट्रोल बाहरी के हाथ में हो और बाहरी जब झारखंड के अपना लूटल है वो अपने कभी दया भाव ना कर। मानुष मानुष में सदियों से भेद रहा लो, एक मानुष हमेशा दूसरे के अधिकार छीन के खाए चेष्टा कर लो, आज झारखंड के साथ हटे बह रहा लो, लगातार अपनी हमने हक अधिकार छीने के प्रयास कर लो, आज भी अपनी हमने के हक अधिकार छीनिए रह लो और हटे तो लड़ाई लगे। आज लगभग से दिन मानव श्रृंखला में 3 से 4 लाख माए बहन काकी जेठी भाई सब उतर गए, तो कहीं ना कहीं सोभिन देखल कि 21 साल में जनता कही के झारखंड बनल हल वो झारखंड ना भले कि हमर पानी हमर पसीना और बिजली जले तो शेख हसीना, तो कहीं ना कहीं वो अन्याय के लिए सोभिन देखल कि हमर यहाँ साधन हमर यहाँ संसाधन यहाँ टेनू घाट डैम में बिजली बनो हो तो माथान डैम में बिजली बनो हो और बल्ब बांग्लादेश के लोग जलवो हो, बल्ब पश्चिम बंगाल के लोग जलवो हो, यहाँ कोयला उत्पादन में हो और हेडक्वार्टर कलकत्ता में हो, यहाँ बिजली बनो हो हेडक्वार्टर डीवीसी के कलकत्ता में हो। तो इटा सीधा संदेश हो कि झारखंड नियर अन्याय कहीं नहीं बह रहा हो, वह अन्याय खिलाफ लड़ रही हो, एक में लड़ते लड़ते अगर मर भी जाए तो कोई दिक्कत ना है, हमने कोई गलत चीज़ खातिर नहीं लड़ रही हो। हमारा अधिकार पहले मिलना चाहे कि चीज़ हमार लागो साधन संसाधन हमार लागो तो अधिकार हमार मिलना चाहिए। सरकार सुतल हो, सरकार के कोई मतलब होना है, 24 लाखों अरबों करोड़ों टाका हो, अभी देखे गाड़ी भी बांटे रहो, झारखंड के जनता बेरोजगारी से हाल हो, लड़का सबके ओकरा एजुकेशन नहीं मिल रहा हो, ओकरा मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रहा हो और अपने 50 लाख के गाड़ी में चढ़ो, तो अखनी के दर्द से कोई मतलब ना हो। झारखंडी बेटा जो गरीब गाँव के बेटा के अब सोचे है तो कि झारखंड के कहाँ लेके जाकर। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हमने अधिकार मांगा, अधिकार मांगना कहीं गलत ना, अधिकार का मांगना कहीं गलत ना हो, हमने तो अहिंसापूर्ण लड़ाई लगो, हमने शांतिपूर्ण लड़ाई लगो, हमने अनुशासनपूर्ण लड़ाई लगो। हम तो हमारे कोई भी वीडियो देख ले, हम तो हर बार गए हो कि भाई भोजपुरी के भी सम्मान हो, मगही के भी सम्मान हो, बिहार के भी सम्मान हो, बंगाल के भी सम्मान हो, लेकिन तोर अपन घर हो, तोर अपन दुआर हो, तो हुआं रह खो पी हुआ विकसित कर, झारखंड के लूट में टूटा ना भेतो भाई, अब हम लड़े ला सीखी गए अब लड़बो, तो अगर जब हमारे चीज में अतिक्रमण करबे तो हमें अब आँख से आँख मिले के बात करबो। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले हंसी के बात कि मुरुख एकदम एकदम की बतेबो अखनी के माने कितना गंदा राजनीति हो, कितना गंदा बेहुदा नेता हो, अखनी IAS IPS जितना हो सरकार के साथ कितना बेहुदा अखनी सोच हो, बोलना ना चाहिए ऐसा शब्द लेकिन दुख में बोल रही हो, कितना तो कितना निम्न सोच हो, कितना छोटा सोच हो, हमारे सबके इतना माननीय लगे, पढ़ल लिखल लोग लगे तो इतना बड़ा VIP लोग लगे, जन भाषा टी के वैल्यू बिहार में ना है, जन भाषा टी के वैल्यू UP में ना है, तो हियाँ थोप रही अगर इतने बात हो तो हमारा बुझा भोजपुरी बच के वाला गोटे इंडिया में हो तो इंडियन लैंग्वेज पहले बनाओ ना भाई, भारत के ही राज्य राष्ट्रीय भाषा बनाए दी कोई दिक्कत ना है, तो कहीं ना कहीं झारखंड के चारागाह पाए गए कि जकरा आना।